होगा वीडियो देख लेना किसका प्लान था ये। Hey guys, welcome back to my new blog. So guys, आज ना मुझे बहुत ज्यादा बोर हो रहा है, सुबह से बोर हो रहा है और अभी दोपहर हो रहा है और कविता दी भी सो रही है। भाई कविता दी भी सो रही है। गाइज आइडिया, अभी चलते हैं भाई के पास। तो गाइज आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा है और चलते हैं पहले भैया के पास। भैया सुनना, कविता दीदी सो रही है पता है। तो ना चलना उनके साथ प्रैंक करते हो। नहीं 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 नहीं, देखो सह नहीं पाती है फिर फालतू में उल्टा बोलने लगती है। अरे यार भैया कुछ तो ब्लॉग तो लाना ही पड़ेगा ना अपने को, और प्रैंक बहुत ज्यादा अच्छा है। क्या है प्रैंक? तुझे याद है जो तूने दो दिन पहले बोला था कि कोमल छिपकली लेके आना डुप्लीकेट? तो गाइस अभी हम जा रहे हैं छिपकली प्रैंक करने कविता दी के साथ। वैसे मैं करना नहीं चाहता यार, बिकॉज वो सीरियस ले लेती है चीजों को, लेकिन करते ना थोड़ा करते। बोर हो रही थी, अभी बोर होना भी बंद। तो चलो अभी पहले जो छिपकली लाया है उसे निकालती हूँ, कहाँ रखी हूँ तो लेके आती हूँ मैं ना। तो गाइस छिपकली जो मैंने लाया था साइन तो मैंने रखा था यार, ये मिल गया छिपकली। चलते भाई के पास। भैया ये कब लाई तू वहां से? अरे तू ही तो बोला था लाने के लिए ना, तो मैंने बहुत सारा ला दिया। फिर गाइस वैसे ये मैंने शूट के लिए मंगाया हुआ था, ये मेरे पुराने घर पे था। तो आप बताओ कौन सी छिपकली है? वैसे मुझे लगता है इसमें से काली वाली छिपकली ज्यादा बेस्ट, पर ना दो तीन छिपकली रखेंगे डन ना। तो चलो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे कैसे रखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे सेटअप चालू हो गया कोमल का। तो दोस्तों हमारा भारी वाला ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम। कविता की बहुत भयानक नींद में, जैसे नाक बुलाते हैं तो पता चलता है तो उनका नाक बहुत तेज बोल रहा है। तो चलो मतलब खर्राटा ले रही है। हाँ खर्राटा ले रही। तो अभी ना अभी मैं उनके पास जाऊंगी, तो चोरी चोरी से लेते रहना कैमरा, अगर कुछ बोलेंगी तो बोल देना तो अपना ब्लॉग बना रहा है ठीक है। और चोरी जाऊंगी और मैं चिल्लाऊंगी दीदी ये छिपकली है छिपकली है ठीक है, मैं रो डर के करूंगी ना। तो गाइज अभी हम लोग मैं जा रही हूँ, उनको उठाऊंगी बोलूंगी दीदी ये छिपकली इतने सारे कहाँ से आ गए कैसे आ गए। तो आप बने रहो पर्दे में, छुप जाता हूं। चलेगा ठीक है सर, चलेगा अच्छे से लेकिन कैप्चर करना। चलो गाइज अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? छिपकली कहाँ से आया? शिट कहाँ है मुझे देखने दो। एक काम करो लाइट करो। इधर भी है बेड पे। छिपकली
उधर उधर नहीं है इसमें, नहीं है ना आपके हाथ पे इसमें, नहीं खाना देख रहे हैं, इसमें है शायद, इसमें देख ली ना। अरे रुको ना यार, तुम तो इतना पागल बना रहे हो। अरे मैं अपना ब्लॉग कर रहा था, मैं सोचा थोड़ा है। नहीं मेरा प्लीज चेक करो ना पीछे है क्या। नहीं पर आपके हाथ पे छिपकली था तो आप पानी से धो लो, मम्मी ने बोला था कि अगर छिपकली वगैरह रहता तो धोना पड़ता है पानी से, पर उसको भगाएंगे कैसे। अरे किचन में क्या है, पहले पहले पानी से हाथ धो। यार मैं सो रही थी, तुम लोग कैसे डरा दिए। हम लोग थोड़ी डरा है भाई, छिपकली था क्या करें। और कहीं किचन में नहीं खाया, पूरा धो ना। अंदर है कहाँ पे, पानी पानी के पास हालत थैली में छुप गया। हेलो इधर चिपका हुआ है। शिट भैया कहाँ से आ रहे कभी इतने सारे। मुझे तो लग रहा है बहुत ज्यादा पनौती लगी इधर में। मुझे भी लग रहा है यार बहुत ज्यादा। अरे ये हवा भी इतनी गंदी क्यों आ रही है भैया, ये घर सब ठीक है ना, क्या खोज रहा है तू अभी। अल्लाह कहीं ये बॉक्स रखा है इसमें से नहीं ना आ रहा है सब छिपकली। अरे उधर पे है, कभी पीछे कुछ है क्या बाल में, चेक करो जरा इधर। एक सेकंड बाल बालो कर दो, कुछ है क्या। नहीं यार आईला ये पर छिपकली का कुछ तो करना पड़ेगा। चुप रहो। अरे अरे कुछ नहीं होगा, एक सेकंड। चुप रहो। पर घर में अपनी छिपकली कैसे आ रहा है यार अचानक। एक सेकंड चलो बैठो। तो गाइस कविता दीदी बहुत ज्यादा ही डर गई है और क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरे को मजा भी बहुत ज्यादा आ रहा है। अभी देखते हैं कुछ कर सकते तो कर सकते यार बहुत। अब बता दे यार, उसकी मम्मी बता रही थी उसको फोबिया है छिपकली का, पागल कुछ ज्यादा डर और गई तो, क्योंकि गाइस उसको फोबिया है छिपकली का, कॉकरोच का, तो बहुत ज्यादा कांप रही है, रो भी रही है। मैं दिखाता हूँ, तू जा सॉरी बोलना कि दीदी मैंने प्रैंक किया, अच्छे से बोलना। तो ए प्लान तेरा था समझी। गाइस मैं दिखाता हूँ कितना रो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। देखो पता नहीं कहाँ से अपने घर में छिपकली आ गया यार। अरे यार छिपकली से कौन डरता है दीदी, मैं सोऊंगी कैसे। सही बात है, कैसे सोएंगी। पर कोई नहीं, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करती हूँ। ये जो छिपकली था वो डुप्लीकेट छिपकली था। नहीं हम लोग आपके साथ प्रैंक कर रहे थे। और ये भी था मेरे साथ। नहीं मैं नहीं था। अब इसको डुप्लीकेट छिपकली भी दिखा देते यकीन नहीं होगा। हाथ में लो। ऐसे ही काले पीले नीले सब थे। प्रैंक इसीलिए इसको बोल रही, इतना गंदा प्रैंक मत। अरे चुप रहे, तेरा था, तुम जब अपलोड होगा वीडियो देख लेना किसका प्लान था ये। नहीं लेकिन शर्म कर, उसको रुला रही है। आप सो रहे थे, ये बोर हो रहा था कब से, तो बोला कि कोमल चल कविता के साथ प्रैंक करते। नहीं कवि तुम ब्लॉग देख लेना, सब इसी का प्लान था। तुमको बोला था ना मैंने किशन,
कि मेरे को चिपकली से डर लगता है। मुझे पता है आपको फोबिया है चिपकली का, लेकिन मेरा प्लान नहीं था, इसी का था। मैं ऐसा कभी गंदा प्रैंक कर ही नहीं सकती, मैं आपको। अरे जा रही, आपको पता है ना, शर्म कर, शर्म कर। ज्यादा रो मत ना, तो तबीयत खराब हो जाएगा फिर कभी नेक्स्ट। हाँ, पहले इंसान को परेशान करने का, फिर तबीयत खराब हो जाएगा। शर्म कर, शर्म। तबीयत खराब हो जाएगा तो शर्म कर, शर्म। गाइस, सच में ये मेरा आइडिया नहीं था, मेरे भाई का आइडिया था। दोस्तों आपको पता है ये किसका आइडिया था, तो कभी तुम देख लेना जब वीडियो अपलोड होगा, ठीक है? कुछ बोलना चाहोगी? नहीं, अभी मैं नेक्स्ट टाइम करूंगी इनके ऊपर प्लान, देखना। ऐसा ही सेम प्रैंक करेंगे, बहुत गंदा होगा। तो गाइस, ये प्रैंक हो गया बहुत ज्यादा ही कविता जी के ऊपर भारी, क्योंकि इनको लगा कि सच में वो चिपकली है, पर वो चिपकली नहीं था। वो तो आपको भी पता था, मुझे भी पता था, पर ये मुझे ऐसा वार्निंग दे रही है कि नेक्स्ट टाइम मेरे साथ बहुत गंदा प्रैंक करने वाली है। तो चलो देखते हैं, फिलहाल के लिए इनको गरम गरम चाय पिलाते हैं और चलते हैं। बाय।